subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इटावा शहर में भगवान भरोसे कानून व्यवस्था। एक दिल थाना क्षेत्र में देर शाम एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। गोली लगने के बाद उपचार के दौरान हुई दर्दनाक मौत। सवालों के घेरे में एसओ एक दिल समीर सिंह। इससे पूर्व भी मृतक डॉक्टर के ऊपर हो चुका है जानलेवा हमला। डॉक्टर ने एसओ एक दिल से पूर्व में ही जताई थी हत्या की आशंका। उसके बावजूद डॉक्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या। शहर की कानून व्यवस्था व अधिकारियों के पर्यवेक्षण पर बड़ा सवाल। लॉकडाउन में एक दिल पुलिस की गश्त व चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था तब धरी की धरी रह गई जब एक दिल थाना क्षेत्र के ग्राम रितौर में भानु प्रताप सिंह नामक एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दिल क्षेत्र वासियों में फैली दहशत। गोलीकांड के बाद क्षेत्रीय जनता बुरी तरह भयभीत। गोलीकांड के घंटों बाद पहुंची एक दिल पुलिस। मुख्य आरोपी नारायण भदौरिया एक दिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इटावा से रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। आपका जी अरविंद कुमार धोरे। क्या घटना हुई? घटना सर, अपने जो घर के बाहर थे नारायण भदौरिया मोहित भदौरिया अनिल भदौरिया आ गए। मेरा और वो गाली ने लेने लगे हैं। बोले कोराना है, पुलिस कुछ नहीं करी और गोली मार दी नारायण भदौरिया ने और वो भाग गए। ये कौन है जिनके गोली लगी है? ये डॉक्टर साहब हैं, ये भानु प्रताप भदौरिया और उर्फ बबलू भदौरिया। ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं। एक भानु प्रताप भदौरिया नाम का एक पेशेंट आया जिसके लेफ्ट साइड चेस्ट में गोली लगी है जिससे एक सिपाही लेके आया है। इसकी कंडीशन सीरियस है, उसे सैफई रेफर कर दिया गया।